कल राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पंचायत प्रतिनिधि संवाद सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि तमाम पंचायतों से जो पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं उनको सम्मानित किया गया, उनके लिए कार्यक्रम रखा गया। वहीं विपक्ष ने इसी कार्यक्रम को लेकर सवाल खड़े किए कि बीजेपी पंचायतों में जाने लायक नहीं है, इसीलिए राजधानी रांची में यह कार्यक्रम को रखा गया है। वहीं इस कार्यक्रम में कई सारे जो है बीजेपी के नेता झपकी लेते हुए नजर आए। कार्यक्रम का थकान चेहरे पर दिख रहा था, इस कारण से वह झपकी लेते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा है राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने, यह देखिए। सांसद जी, कल जो कार्यक्रम चल रहा था आप लोगों का, उसमें कई लोग जो झपकी लेते हुए दिख रहे थे, क्या कार्यक्रम का दबाव वो चेहरे पे सोते हुए? किसी भी कार्यक्रम का सकारात्मक विषय को लोगों को चिंता करना चाहिए। कल का जो कार्यक्रम इस राज्य के अंदर हुआ है, राज्य पहली बार इस तरह का कार्यक्रम जो गाँव के लोग, जो गाँव की सरकार मंत्री उससे जनप्रतिनिधियों को बुला करके सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम लोगों तो कभी नहीं देखा कोई विधायक झपकी ले रहा है। अब किसी कार से पलकी भी झपक जाए उसको बोल देगा झपकी ले रहा है। तो नजरिया है जो नकारात्मक विषयों को जो देखने का काम करता है, उसका सोच भी नकारात्मक होता है। सकारात्मक सोच के साथ इस कार्यक्रम को देखना चाहिए कि देश ने राजन को देश के इस कार्यक्रम को सराहा। पहली बार किसी दल ने गांव के चुने प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का काम किया है और सबसे अधिक संख्या में सरकार उनकी है, काम वो कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार को लोगों ने नकारने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समर्थन देने का काम किया है। इन विषय पर विचार करना चाहिए। चुनाव नजदीक आती है तो इनको याद आता है पंचायत में हमारा कार्यकर्ता जीत गया है, इनके विधायक गाँव में जाने की स्थिति मात्र नहीं है। जितना झूठ बोल करके धोखा दे करके बेवकूफ बना कर से लोगों से वोट लिया, आज इनके विधायक कोई क्षेत्र जा रहे हैं क्या? पता कर लीजिए। इन्हीं लोगों ने कहा था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवा इनको गांव में खोज रही है, किधर है जेएमएम के विधायक जेएमएम के नेता? इन्होंने कहा था कि बेरोजगार युवाओं को हम भत्ता देंगे, स्नातक को 5,000, स्नातकोत्तर को 7,000, युवा खोज रहे भत्ता देने वाले लोग किधर हैं? इन्हीं लोगों ने कहा था कि 4 कमरे का मकान देंगे, साथ में शौचालय होगा, साथ में रसोई होगा और बीच में खाने के लिए डाइनिंग हॉल भी होगा। जनता खोज रही है कहाँ गया 4 कमरे का मकान। इन्हीं लोगों ने कहा था बिजली मुफ्त में देंगे, जनता खोज रही गाँव में। और जो काम हो रहे थे किसानों का, जो पैसा राज्य सरकार दे रही थी, उस पैसे को भी बंद करने का काम किया। तो किसान भी आज इनको गाँव में खोज रहे हैं। जो 5,000 रुपये कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मिल रहा था, वो पैसा क्यों बंद किया? तो जनता इनको खोजे, जनता के बीच जाने के लिए ये लोग तरस रहे हैं। आज विधायक उनकी भाभी जी हों, आदरणीय सीता सोरेन जी या लोबिन हेमब्रम जी हों, विपक्ष को कुछ बोल ही नहीं रहा, विधायक खुद बोल रहे हैं कि राज्य में कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप, झूठ मूठ का बेवकूफ बना करके लोगों से वोट दिए। इसलिए इस बातों से बचना चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए। 5 कामों गिना दे कि राज्य में इन लोगों ने क्या काम किया है। 5 काम जन कल्याण के लिए उन्होंने क्या काम किया बताया तो क्या काम किया है? आज मोदी जी आदर देश के सुस्पताम चावल बेचते हैं, उस चावल को 3-3 महीना तक लोग बांट नहीं पा रहे हैं, तो चावल कहाँ जा रहा है? आयुष्मान योजना बंद की स्थिति में झारखंड में हो गया है, क्यों बंद हो रहा है? केंद्र से पैसा आता है काम करने का, इनका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। गरीब जनता के लिए पैसा मोदी जी ने दिया, उस पैसा को गरीब को इलाज के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार लोग पेपर पढ़ करके बनावटी बातों को बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जनता की मूल समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप राजधानी में आपका चैनल चलता है, अब एक बार रांची के चारों तरफ सभी प्रखंड के सभी गाँव में चले जाए, आपको पता चलेगा कि 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर जलता है तो ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं, गाँव के लोग आज अंधेरे में रहने को विवश हैं। लेकिन सर,